हेलो जी, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत और अभी है अपन दार्जिलिंग में। आपने रिसेंट वीडियोस में देखा होगा, अभी भैया यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया है। एक्चुअल कंडीशन तो भैया मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बट ना कुछ ज्यादा ही हेवी, मतलब क्या बताऊं मैं यार, सारा ना मूड खराब हो गया। मैं 2-3 घंटे से आके ना रूम पे बैठा हूँ। अभी चलते थोड़ा सा बाहर, चलते मूड फ्रेश करके आते, और क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे शायद, या तो इसी वीडियो में या अगली वीडियो में। बट ना भारी वाली दिक्कत हो गई, मतलब मेरी लाइफ की शायद से अभी तक की सबसे बड़ी दिक्कत हुई है। बाहर जो है सनसेट, क्या ही सनसेट है। यहाँ पे भैया वैसे सीएम आने वाले थे, कुछ तो चल रहा है भैया यहाँ फंक्शन प्रोग्राम, दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत सा ना महाकाल मंदिर जो बना हुआ है यहाँ पे, अच्छी सी हाइट पे बना हुआ है, तो बहुत से लोग ना इसको स्किप कर जाते हैं। तो हमने सोचा भाई ये तो आपको दिखाना बनता है, तो चलिए मेरे साथ आपको महाकाल मंदिर में दर्शन करवा के लेके आते हैं। बड़ी अच्छी जगह और यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है चारों तरफ का। सब क्या ही खूबसूरत सा रास्ता है ना ऊपर जाने का, बट चढ़ाई भी भैया। यह है भैया मॉल रोड पर बना हुआ महाकाल मंदिर, जो कि थोड़ा सा ऊपर है मॉल रोड से। वैसे बेसिकली अगर आप रोड से आओगे ना तो चढ़ना पड़ता है आपको थोड़ी सी हाइक है इसके लिए, बट यहाँ से चारों तरफ की व्यू भी बड़े मस्त है। और ये देखो यार कितना प्यारा, और यहाँ पे बड़ी मस्त वाइब्स है ऐसा। वैसे यहाँ इतनी भीड़ है ना, बट भीड़ होने के बाद भी अच्छी से एकदम मतलब शांति से फील होती है। यहाँ पे आ सकते हो भैया, अगर आते हो ना, आपको शायद ये वीडियो में बहुत कम जगहों पर मिलेगा, बट एक्चुअल में आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो, बड़ी अच्छी जगह है ये। यार क्या होता है ना, मुझे नहीं समझ आया भैया यार, क्योंकि हर तरफ ना अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है यार, हर चीज़ें समझ भी नहीं आती, बट बना अच्छा रखा होता है ये। तो ये मैं इसको गूगल ट्रांसलेट करता हूँ भैया, क्या लिखा हुआ है अगर ट्रांसलेट होता है तो बताता हूँ आपको। चलिए भैया यहाँ दर्शन कर लिए, अभी चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे एक गुफा बनी हुई है और हनुमान जी महाराज का मंदिर भी है, तो दोनों जगह भी दर्शन करके आते हैं। चलिए, कितने मूर्ख लोग होते हैं ना ये, बिना बात के घंटियाँ बजाने वाले सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए। जय हो भगवान। ये है महाकाल गुफा और ये सात कन्या गुफा भी कहते हैं, बड़ी सुंदर है। उधर भी पता नहीं कुछ है शायद मंदिर, बट उधर तो नहीं जा सकता मैं भैया। वहाँ से गुफा आ रही है, थोड़ी सी भैया पतली गुफा है वैसे ये, बट अच्छी है, दर्शन करने जैसी है। ये है भैया महाकाल मंदिर में सात कन्या गुफा और महाकाल मंदिर, बड़ी अच्छी जगह, दर्शन कर लिए अपन ने। अभी चलते हैं यहाँ से अपन नीचे मॉल रोड की तरफ, थोड़ा सा मॉल रोड को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं भैया, क्योंकि ना थोड़ा मूड खराब हो चुका है। चलिए यहीं बैठ के आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। ऐसे ये वाली जो जगह है जहाँ पे मैं अभी आया हूँ, बट मेरा जो एक्चुअल प्लान था जाने का वो था भैया अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक जाने का। उसके लिए ना सारी फ्लाइट व्लाइट भी बुक करा दी, सब कुछ बुक करा दिया भैया। फ्लाइट जो है वो ओवर कॉस्टली पड़ी थी, बट मैंने फिर भी फ्लाइट और होटल्स जो है सारी बुक करवा दी। ये वीडियोज में थोड़ी सी लेट डाल रहा हूँ क्योंकि लाइव मुझे मतलब ऑन द गो मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, बट ना अभी शायद रेफाल या रेवाल करके कोई तूफान आ रहा है भैया, जो रूट है ना भैया वो उसी तरफ है, तो उसकी वजह से बारिश वारिश और ये सब कुछ ना अभी चालू हो चुका है वहाँ पे। तो अगर अभी रिस्क लेके वहाँ पे जाते तो भैया मतलब
समझ सकते हो कि अच्छी खासी वहाँ पर रिस्क अभी की डेट में तो है। तो अब वही समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ या कहीं और चला जाऊँ या घर पे चला जाऊँ, समझ नहीं आ रहा यार। क्योंकि ना इतना बड़ा अमाउंट लगा के मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, सारा अमाउंट मेरा वेस्ट चला जाएगा। बट भैया अरुणाचल प्रदेश में भैया तवांग और वो सारा पहाड़ वाला रास्ता है, तूफान की वजह से 1% चांस में भी अगर कुछ होता है ना तो फंस सकते हैं अच्छा खासा फंस सकते हैं भैया, और कहीं लैंडस्लाइड हो जाए या कुछ भी। मतलब क्लियरली आज विजिबल हो रहा है कि भैया वहाँ पर तूफान और हवाएं आने वाली है, तो आई डोंट थिंक कि भैया रिस्क लेना बनता है। पता नहीं अब लॉस अच्छा खासा हो जाएगा भैया मैं नहीं जाने के चक्कर में वहाँ, बढ़कर उधर ऑप्शन भी नहीं है भैया, तो वही सोच रहे हैं क्या करें। आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार थोड़ा सा खर्चा निकलवा दो मेरा। और मैं ना टूर बुक नहीं कराता हूँ, मैं पर्सनली मतलब खुद से ही जाता हूँ और सब कुछ खुद के अकॉर्डिंग ही मैं करता हूँ, तो उस हिसाब से कुछ कैंसिल भी नहीं हो सकता भैया, कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि फ्लाइट सारी बुक हो चुकी है, ओवर कॉस्टली है। ऐसे इस ट्रिप पे ना भैया थोड़ा सा टाइम मेरा अच्छा नहीं गया, मतलब कुछ ना होता ही रहा है। सबसे पहला तो ये कि मैं ट्रेन से आ रहा था तो भैया ट्रेन बुक नहीं हुई, ट्रेन कैंसिल हो गई, मतलब सीट कन्फर्म नहीं हुई। उसके बाद मैं फ़्लाइट से आया तो जहाँ मुझे उतरना था पाकिंग वहाँ नहीं उतारा, उसने बागडोगरा उतार दिया। वहाँ से फिर मैं ऐसे मतलब करते करते गया हूँ ना, एक्चुअली में भैया उतना मज़ा नहीं आया इस ट्रिप पे यार, सीरियसली ना। मतलब मेरी शायद अभी तक की सबसे घटिया ट्रिप जो गई होगी ना, मतलब जगह ट्रेवाइज अच्छी गई है बट अभी तक जो सब मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा दिक्कतें हुई है ना वो इसी ट्रिप में हुई है। ठीक है, क्या कर सकते हैं यार। यहाँ से देखो पीछे सनसेट हो रहा है, वैसे अब ये देखो महाकाल मंदिर से जो व्यू दिख रहा है ना यहाँ का, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार। ये ऊपर की तरफ महाकाल मंदिर है और इस तरफ ना ये सारा अभी जस्ट सनसेट हुआ है, मतलब बादलों में हुआ है एक्चुअल में, तो अभी 5-10 मिनट पड़े हैं सनसेट होने में, बट बड़ा प्यारा लग रहा है यार यहाँ से। वाह, और बाकी यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है यार, देखो तो कितना ऊँचे लग रहे ना। थोड़ी देर यहाँ बैठते भैया मूड थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है।